नमस्ते दोस्तों, मैं हनुमान मुंडे। मुंडे इवेंट सब में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज शनिवार है। इस वीडियो में आज हम देखेंगे श्री राम भक्त हनुमान जी की जन्मभूमि अंजनेरी पर्वत। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुज वन कृशानु ज्ञानी नाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। इस श्लोक का अर्थ यह है, राम भक्त हनुमान जी असीमित शक्ति के स्वामी हैं। सोने के पर्वत अर्थात सुमेरु के समान अभा युक्त शरीर वाले, दानव रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि के समान भगवत वेताओं में अग्रगण्य सभी प्रकार के गुणों के निधान, वानर समूह के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी के परम प्रिय भक्त श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे परमवीर शक्ति भक्ति युक्ति ज्ञान के दाता श्री हनुमान जी के विषय में कुछ बोलना मानो पंक्ति के द्वारा सूर्य का दर्शन करना है। तथापि अपनी बुद्धि के अनुसार जनता जनार्दन की जानकारी के लिए कुछ बोलना आवश्यक है। प्रभु श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि अयोध्या, भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि मथुरा, बच्चों से लेकर वयोवृद्ध सभी जानते हैं और मानते भी हैं। परंतु जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में अर्पण किया, वैसे भक्त शिरोमणि महावीर श्री हनुमान जी की जन्मभूमि कहाँ है और कैसी स्थिति में है, यह प्रश्न प्रत्येक भाविक भक्तों को प्रतीत होता होगा। भारतीय संस्कृति और शास्त्रों में पुराणों की बड़ी महिमा है। पुराण अनंत काल राशि के भंडार है। इन्हीं ग्रंथ भंडारों के आधार पर हनुमान जी की जन्मभूमि अंजनेरी पर्वत का भौगोलिक ज्ञान तथा प्राचीन इतिहास आप तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है। जैसे कि वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने कहा है, शौर्य दास्य बलम धैर्य प्रज्ञाता नय साधनम विक्रमस्य पराक्रमस्य हनुमति कृतालया। सूर्यवीरता दक्षता बल धैर्य विद्वता नीति ज्ञान पराक्रम और प्रभाव, इन सभी गुणों ने हनुमान जी के भीतर घर करके रखा। जैसे कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हुई तात तुम पाही। पुराणों के इसी वचन को प्रमाण मान के आपकी उपयुक्त जानकारी देने का मैंने प्रयत्न किया है। भारत देश यह देव की भूमि है जहाँ ईश्वर भक्त और संतों का सानिध्य एवं आदर्श प्राप्त होता है। जहाँ जहाँ ईश्वर और परमात्मा के महान भक्तों का जन्म हुआ है उस पवित्र भूमि का महत्व विशेष है। भगवान राम को अपने हृदय में धारण करने वाले महान भक्त हनुमान जी का जन्म जिस पवित्र भूमि अंजनेरी पर्वत पर माता अंजनी द्वारा हुआ था, उस पर्वत का नाम रामायण में रुषमुख पर्वत है। पर अंजनी माता ने वर्षों तक तपस्या की, इसके लिए अंजनेरी नाम से अजरामर हुआ है। ऐसी पवित्र भूमि जहां भगवान त्र्यंबकेश्वर स्वयंभू उपस्थित है, जहां से गोदावरी जैसी महान पवित्र गंगा का उगम स्थान है, ब्रह्मगिरी जैसे महान पवित्र पर्वतराज के सानिध्य में गौतम आदि ऋषि मुनियों ने साधना करके परमात्मा का साक्षात्कार प्राप्त किया है, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने वास किया है, ऐसे महान पर्वतराज अंजनेरी पर्वत पर श्री हनुमान जी का जन्म हुआ है। वैसे तो कोई कोई राजस्थान में कहता है, कोई कर्नाटक में कहते हैं, कोई झारखंड में कहते हैं, पर सभी तथ्यों की पड़ताल करने के बाद समझ में आता है कि अंजनेरी पर्वत ही श्री हनुमान जी का जन्म स्थान है। क्योंकि सबसे ज्यादा प्राचीन अवशेष आधार और भौगोलिक आध्यात्मिक पौराणिक और ग्रंथों में पुराणों में इसी स्थान का उल्लेख है। सभी घटना चक्रों को देखेंगे तो यह स्थान महाराष्ट्र के नासिक में है। हनुमान जन्मभूमि अंजनेरी संबंधित कुछ मुख्य स्थान जैसे कि ब्रह्मगिरी पर्वत, ब्रह्मगिरी पर्वत से संबंधित गौतमी गंगा गोदावरी का अवतरण है, गोदावरी गंगा से संबंधित आद्य ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर से संबंधित दंडकारण्य, दंडकारण्य से संबंधित पंचवटी और पंचवटी से संबंधित है नासिक। भारतवर्ष में अन्य जगह ये सभी स्थान आपको नहीं मिलेंगे। इसके लिए ये स्थान निश्चित है कि यही स्थान श्री हनुमान जी का जन्म स्थान है। इसके आगे की जानकारी बहुत सारी जानकारी है, बहुत डीप में है, बहुत प्रूफ के साथ भी है, पर अगले वीडियो में हम देखेंगे। आज के लिए
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वाताध्वजं वानरयुत्समुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बाकी की जानकारी हम अगले वीडियो में देखेंगे। खूब खूब धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अंजनेर पर्वत के विषय में जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, अगर आप इस चैनल पे आप नए हैं तो इस मुंडे इवेंट्स हब इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियो आप तक पहुंचेंगे इसके लिए बेल आइकॉन बटन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। धन्यवाद।